गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ललिता सुखीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। आज के लेक्चर में भी हम ओरिएंटेशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव ओरिएंटेशन। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो एनिमल है उसमें जो ओरिएंटेशन होता है वो किसी स्टिमुलस के कारण होता है। अगर एनिमल उस स्टिमुलस के डायरेक्शन की ओर मूव करता है, ओरिएंट होता है, तो उसे हम पॉजिटिव ओरिएंटेशन कहते हैं। और अगर स्टिमुलस से दूर जाता है तो उसे हम नेगेटिव ओरिएंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज हाइड्रोटैक्सिस। हाइड्रोटैक्सिस में क्या होता है कि एनिमल पानी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है कि वो उसके पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। सेकेंड इज थर्मोटैक्सिस। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये टेम्परेचर के प्रति अपनी रिएक्शन दिखाते हैं। थर्ड इज फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस में एनिमल लाइट के लिए अपना रिएक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट इज थिग्मोटैक्सिस। थिग्मोटैक्सिस जब एनिमल किसी टच के प्रति अपना रिएक्शन दिखाता है तो उसे हम थिग्मोटैक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट इज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मीन्स जब कोई एनिमल किसी केमिकल के प्रति अपना रिएक्शन दिखाते हैं। ये रिएक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। ये रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव है, और अगर ये स्टिमुलस से दूर जाते हैं तो उसे हम नेगेटिव ओरिएंटेशन कहते हैं। इसी कंटिन्यूशन में है गैल्वेनोटैक्सिस। गैल्वेनोटैक्सिस मींस जब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके प्रति अपनी रिएक्शन दिखाते हैं। ग्लेवेनोटैक्सिस हम उसे कहते हैं जब ये इलेक्ट्रिक रीजन में अपना रिएक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट इज जियोटैक्सिस। जियोटैक्सिस जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट इज रियोटैक्सिस। रियोटैक्सिस मीन्स जो वाटर करंट होती है उस वाटर करंट के प्रति एनिमल अपना क्या रिएक्शन दिखाता है। कुछ एनिमल्स वाटर करंट के डायरेक्शन में ही आगे की तरफ मूव करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज जियोमैग्नेटोटैक्सिस। जियोमैग्नेटोटैक्सिस मीन्स जो कि अर्थ के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके प्रति अपना रिएक्शन देते हैं, उसे हम जियोमैग्नेटोटैक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ओरिएंटेशन का, वो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। उस फंक्शन के आधार पर भी ओरिएंटेशन अलग अलग तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ओरिएंटेशन इन स्पेस। इसमें स्टिमुलेशन का उपयोग एनिमल की सामान्य अवस्थिति बनाए रखने में होता है। एनिमल जो होता है वो स्टिमुलस को अपना गोल मानकर उसकी ओर नहीं जाता है। इस प्रकार के ओरिएंटेशन के कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल के विरुद्ध बॉडी की सामान्य स्थिति बनाए रखना, या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें उसके डायरेक्शन का कंट्रोल करना। इसके अलावा या जो लाइट से संबंधित ओरिएंटेशंस होते हैं, या कंपास, या जो सूरज होता है उसकी दिशा का निर्धारण करना, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट बाय मैकेनिकल सेंस ऑर्गन्स लाइक सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड विथ आईज। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। Where the stimulus is the goal, such as optical target orientation, echolocation, tactile location, and chemical orientation. Orientation in ecological context can be thought of as a form of adaptive behavior to the patterns of existence of factors like food, predation, and physiographic conditions. Animal ke dwara resources se दूरी को कम बनाना और स्ट्रेस सोर्सेस से दूरी को अधिकतम करना ओरिएंटेशन फिटनेस कहलाता है। ओरिएंटेशन के लिए
स्थानिक सूचना आवश्यक होती है। इसकी प्राप्ति के लिए इसके सोर्सेस भी होने चाहिए। ये सूचना चार क्लासेस में क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट इज इमीडिएट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज लर्न्ड इंफॉर्मेशन एंड थर्ड इज इननेट इंफॉर्मेशन एंड फोर्थ इज रैंडम इंफॉर्मेशन। एनवायरमेंट से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो सेंसरी ऑर्गन से दूरी और डायरेक्शन से कोरिलेट होती है। लर्न इंफॉर्मेशन इमीडिएट इंफॉर्मेशन के साथ काम करती है। जब सेंसरी इंफॉर्मेशन से सूचना मिलने के बाद एनिमल कई तरह के ओरिएंटेशन रिस्पॉन्सेस परफॉर्म करता है, जिसमें से उसे कोई एक प्रकार की प्रतिक्रिया चुननी पड़ती है। उस प्रॉपर रिस्पॉन्स का सिलेक्शन एनिमल उसकी मेमोरी या इंस्टिंक्ट नॉलेज से पहले से जो उसको पहले से ही सूचना होती है उससे ये कंट्रोल होता है। यानी कि एनिमल जो प्रॉपर रिस्पॉन्स का सिलेक्शन करता है वो सिलेक्शन उस एनिमल की जो पहले की मेमोरी होती है या जो इंस्टिंक्ट होता है उसके द्वारा डायरेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल जो नवजात कंगारू होता है वो पैदा होने के बाद सिर्फ अपने मदर की थैली की ओर ही खिसकता है, किसी और दिशा में नहीं जाता। रैंडम इंफॉर्मेशन मे बी अ रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस। एन ऑर्गेनिज्म वुड लोकेट अ रिसोर्स और स्ट्रेस सोर्स थ्रू ट्रायल एंड एरर और रैंडम मूवमेंट्स एंड वुड देन प्लान इट्स नेक्स्ट ओरिएंटेशनल रिस्पॉन्स। The orientation is very relevant to the spatial nature of the environment and the orientation behavior in this context can be categorized into six types on the basis of the spatial nature of the environment. ये छह भाग में divide किया गया है। First is positional orientation, second is object orientation, third is strato orientation, fourth is zonal orientation, fifth is topographic orientation and sixth is geographic orientation. First, positional orientation. Most of the mobile animals maintain their position in space through positional orientation. This is done with reference to the gravity and the substrate. Large animals maintain an upright position whereas lighter animals rely more on the position of the substrate than gravity like a fly walking on the roof. For examples, जैसे मक्खियों में हेल्टर्स नामक एक रॉड लाइक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जो कि ऑसिलेट करता है और किसी भी बदलाव को इसके छोटे सेंसरी ऑर्गन से पहचाना जा सकता है। बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स ग्रेविटी के साथ साथ लाइट की दिशा को भी अपनी पोजीशन बनाए रखने हेतु काम लेते हैं। लार्जर एक्वेटिक एनिमल्स प्रेफर टू कीप देयर लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस हॉरिजॉन्टल व्हाइल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक डैफनिया नॉप्लिस लार्वी एटसेट्रा कीप देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वर्टिकल। पोजिशनल ओरिएंटेशन उड़ने और तैरने वाले एनिमल्स को भटकाव से भी बचाता है। ये भटकाव वाटर या एयर की जो करंट होती है उससे आ सकता है। द पोजिशनल ओरिएंटेशन आल्सो प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ इंश्योरिंग प्लेसमेंट ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन ऑन द सबस्ट्रेट। अ काइंड ऑफ कैमोफ्लेज इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। लाइक एक्वेटिक एनिमल्स हैव dark backs and light bellies and hence the difficult to locate against background when observed from below or above. यानी कि जो aquatic animals होते हैं उनकी back side dark color की होती है और जो ventral side होती है वो हल्के color के होते हैं और नीचे या ऊपर से देखने पर इन्हें खोज पाना कठिन होता है, क्योंकि ऊपर से देखने पर पानी के गहरे और रंग में और नीचे से देखने पर हल्के रंग में जंतु का रंग घुल मिल
जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पॉजिटिव नेगेटिव ओरिएंटेशन और इसके अलावा कुछ और हमने ओरिएंटेशन के क्लासिफिकेशन देखा, और जो बाकी का क्लासिफिकेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स क्लास।